रन। हेलो दोस्तों, ये है पानीपुरी कंट्रोलर। ठीक है, तो ये पानीपुरी कंट्रोलर 4 नोजल के लिए है। 4 सेंसर और 4 नोजल आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं 4 पंप्स के लिए। और ये डीसी सप्लाई, डीसी पंप और एसी पंप दोनों के लिए भी यही सर्किट चलेगा। तो मैं आपको 2 मिनट में इंस्टॉलेशन होगा इसका, तो इसको इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इधर लगेगा, सबसे पहले हम इधर एक मैनुअल स्विच रहेगा जो कि हम इधर से प्रेस फिट करेंगे, एक स्विच लगाएंगे। एक सेंसर लगेगा, सेंसर के लिए ऑलरेडी कनेक्टर लगाया इधर हमने, ठीक है, 4-3 पिन कनेक्टर। एक पंप लगेगा, डीसी पंप, ठीक है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है और ये सर्किट को पावर ऑन करने के लिए एक एडेप्टर हमें लगने वाला है। तो अभी यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ कनेक्शंस करेंगे हम सिंपली, ये एडेप्टर जो है वो सप्लाई लगा देंगे और यहाँ से डीसी सॉकेट से 12 वोल्ट का सप्लाई देंगे। अभी ये जो है यहाँ से हम दे रहे हैं इसको सप्लाई, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है 4-। तो अभी क्या है कि हम 4 रिले की सेटिंग का टाइमर हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट बटन से अपने का टाइमिंग 1 सेट होगा, 1- मतलब फर्स्ट वाला रिले का टाइमिंग हम सेट कर रहे हैं, 1.6 सेकंड, 1.7, 1.8, जितना चाहिए हम उतना सेट कर सकते हैं। मान लो इसको 0 करना है तो लॉन्ग होल्ड दबाना है तो ये 0 हो जाएगा और हम फिर से जितना चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं। तो टाइमर 1 के लिए फर्स्ट रिले के लिए फर्स्ट बटन रहेगा, सेकंड टाइमर के लिए मतलब सेकंड रिले के लिए सेकंड बटन रहेगा, थर्ड रिले के लिए थर्ड दिखाएगा, थर्ड टाइमर थर्ड रिले के लिए, और फोर्थ वाला टाइमर फोर्थ रिले के लिए। तो ऐसे चारों भी रिले के अलग अलग टाइमिंग हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने सिर्फ पावर दिया है। अभी मान लो हमें डीसी मोटर लगाना है इस सर्किट को, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसे 2 पिन का हम कनेक्टर साथ में देते हैं। तो अब इसको 2 पिन का जो है, इधर आपका पंप का कनेक्शन रहेगा, तो इधर सिर्फ आपको पंप का कनेक्शन करना है। यह हो गया डीसी, हमने इधर पंप लगा दिया है। बाद में मैनुअल ऑन ऑफ के लिए, अभी ये सर्किट से सेंसर से भी आपका ऑन ऑफ होगा पंप, और मैनुअल बटन से भी ऑन ऑफ होगा। तो बटन के लिए यहाँ पर कनेक्शन दिया है, यहाँ पर सिंपली ये 2 पिन का कनेक्टर हम यहाँ लगा देंगे। तो ये होगा अपना एक पंप के लिए कनेक्शंस। और अभी सेंसर के लिए हमने इधर 4 कनेक्टर्स दिए, तो 4 रिले के लिए 4 सेंसर रहेगा। तो फिलहाल मैं एक ही इसका कनेक्शन दिखा रहा हूँ, तो S1, S2, S3 और S4 ऐसे 4 सेंसर लगाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर S1 पर एक सेंसर लगा देंगे, ठीक है। अभी ये होगा अपना कनेक्शन ओके। अभी हम टाइमिंग 1 देखेंगे क्या सेट किया हमने। फॉर एग्जाम्पल हम 1 सेकंड सेट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने सेट किया है 1.0, मतलब 1 सेकंड सेट किया है, ठीक है। तो अभी यहाँ हम क्या करेंगे कि ये 12 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाला है, तो यहाँ से ये 12 वोल्ट का सप्लाई है, तो 12 वोल्ट का सप्लाई हम देंगे यहाँ से इस सर्किट को। तो अभी जैसे ये सेंसर ऑन होगा, ये पंप ऑन हो रहा है 1 सेकंड के लिए, और ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा 1 सेकंड के बाद, और फिर से आएगा। तो जब भी कोई सेंसर सेंस होगा, सेंस होने के बाद 1 ही सेकंड चालू रहेगा, फिर बंद हो जाएगा। फिर से हम इसको क्या करेंगे, अभी ये 1 ही सेकंड चल रहा है, ठीक है। अभी इसके साथ अभी आपको बटन के साथ ऑपरेट करना है, ये बटन के साथ भी ऑपरेट होगा। तो जितना हम दबा के रखेंगे उतना बटन के साथ वो ऑपरेट होगा। तो अभी ये हो गया अपना डीसी पंप के लिए कनेक्शन। अभी सिंपली इसको अगर हमें एसी पंप के साथ कनेक्शन करना है, तो क्या करना है, सिंपली यहाँ से जो है डीसी सप्लाई हम निकाल देंगे और ये डीसी पंप भी हम निकाल देंगे, ठीक है। तो डीसी सप्लाई डीसी पंप निकाल लिया है, अभी हमारे पास है एसी पंप, ठीक है। तो अभी एसी पंप का जो 2 पिन का कनेक्शन है, ये हम लगा देंगे यहाँ पर पंप के जगह पर। और यहाँ पर जो है हमें सप्लाई जो देना है वो 230 का सप्लाई देना है। तो हम ये 230 का जो सप्लाई है, जो वायर, वो सिंपली यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और ये लगाकर यहाँ से शॉक वोल्ट यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तब ये हो रहा है अपना, ठीक है, ये भी ये पंप इस पर चल रहा है और ये सेंसर पर भी ये चल रहा है। तभी ये पंप है 230 वोल्ट ऑपरेटेड, तो 230 का हम सप्लाई देंगे, 230 का पंप लगाएंगे। डीसी लगाना है तो डीसी भी लगा सकते हैं।